अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं काठियावाड़ी चना चाट, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही डिलीशियस, और बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट ये बन जाती है। और आप इसे इफ्तार में ज़रूर बनाइए, पहली इफ्तार में ज़रूर बनाएं, बहुत ही मज़े का लगता है। और चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 250 ग्राम चना ले लिया था, इसको हमने रात भर पानी में भिगो दिया था, और इसको हमने अब बॉईल कर लिया है अच्छी तरीके से नमक डालकर। और आप देख सकते हैं इस तरीके से ये गल जाना चाहिए, तभी हमारे छोले जो हैं चना चाट वो बहुत ही अच्छे बनेंगे और पानी को बिल्कुल नहीं फेंकेंगे। तो एक कढ़ाई हमने गरम करने को रखी हुई है, इसमें हम तेल डाल देते हैं। तो ये मेरे पास प्याज फ्राई किया हुआ तेल था, वो हमने इसमें डाल दिया है। और एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट हम डाल देंगे, और आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, और एक टेबलस्पून हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर, आधा टीस्पून हम इसमें डाल देंगे जीरा पाउडर, और हम इसमें डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। और क्योंकि हमने चने में भी नमक डालकर उबाला था, तो नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालें। और फ्लेम को हमने लो ही रखा था, ज़्यादा हाई फ्लेम पर हम मसाले नहीं भूनेंगे, इसको चलाते हुए लगातार अच्छी तरीके से भून लेंगे। इसी तरीके से इसको चलाते रहें लगातार ही, और मसाले हमारे अच्छी तरीके से भून गए, खुशबू आने लगी है। तो हम इसमें थोड़ा सा चने का पानी डाल देंगे ताकि मसाले हमारा और अच्छी तरीके से भून जाए, इसमें कच्चापन बिल्कुल ना रहे। तो ये देखिए इस तरीके से हम चलाते रहेंगे इसको, और आप देख सकते हैं तेल जो है बिल्कुल ऊपर आने लगा है और मसाले हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से भून चुके हैं। तो अब इस मसाले में हम चने डाल देंगे पानी के साथ, और एक बार अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, बहुत ही झटपट ये बन जाता है, सिर्फ चने उबले हुए होने चाहिए। और अब हम इसमें डाल देंगे एक उबला हुआ आलू, जिसको हमने क्यूब में कट कर लिया था इस तरीके से। और अब एक कप के करीब हम इसमें पानी डाल देंगे, और ये जो चना चाट होती है इसमें रस्सा होता है, तो ये रस्सा जो होता है बहुत ही अच्छा लगता है चने चाट के साथ खाने में। तो अब इसको हम ढककर 5 मिनट के लिए पकने देंगे अच्छे तरीके से। तो 5 मिनट हो चुके हैं, अब ढक्कन को हटा देते हैं, और अच्छा सा उबाल इसमें आ चुका है चने में, और चने भी अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं। तो आधा कप हमने यहाँ पर पानी लिया है, और एक बड़ा चम्मच भरकर हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, घोल अच्छे से बना लेंगे। और थोड़ा थोड़ा करके हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे और इसको चलाते रहेंगे। ये देखिए जैसे हम इसको डालकर चला रहे हैं, वैसे ही जो चने का जो पानी था वो बिल्कुल थिक हो चुका है, गाढ़ा हो चुका है, आप देख सकते हैं। और इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया, इसमें उबाल आने देंगे अच्छे तरीके से। तो आप देख सकते हैं इसमें अच्छे तरीके से उबाल आ चुका है, इसको एक बार और अच्छे तरीके से चला देंगे, और इसको गैस को हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो चलिए हमारे चने बनकर तैयार हैं, और इसको हम इसकी चाट बनाएंगे। तो इसको हम सर्व करेंगे एक बाउल में, इसको रस्से के साथ ही सर्व करें। तो अब ऊपर से हम डाल देंगे हरी चटनी, और अब हम डाल देंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी जो होती है वो हम डालेंगे, और इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और अब हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज, जैसे कि नॉर्मल चाट बनती है उसी तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो ये हम डाल रहे हैं होममेड चाट मसाला, और आप इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और यहाँ पर हमने 3 से 4 पापड़ी ले ली है, जैसे कि पापड़ी चाट बनती है वो वाली पापड़ी हमने ली है, इसको तोड़कर हमने डाल दिया है। और थोड़े से हरी मिर्च हम ऊपर से डाल देंगे गार्निश करने के लिए, आप चाहें तो तीखा कम खाते हो तो ना डालें। और ऊपर से थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती डाल देंगे, और ये हमारी काठियावाड़ी चना चाट बनकर तैयार है। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही मज़ेदार है खाने में। आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा। तो चलिए हमारी काठियावाड़ी चना चाट बनकर तैयार है, हमने इसको सर्व किया है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं ये काठियावाड़ी चना चाट की रेसिपी आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसी लगी।